अपने स्टूडेंट्स, मायसेल्फ स्मृति जैन फ्रॉम राधा माधव पब्लिक स्कूल। इससे पहले हमने पहले के भाग में हमने पढ़ा था समास क्या है और समास के छह भेद होते हैं। इससे हमने पढ़ा था पहला भेद तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा समास द्विगु समास। द्विगु समास में जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। दोनों पदों में से जो पहला पद जहाँ संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, जैसे चार पाई, चार क्या है संख्या है, चार पैरों का समाहार, तो चार पाई ये पहला पद संख्यावाचक है, इस कारण यहाँ पर द्विगु समास है। इसका दूसरा उदाहरण हम देखेंगे नव रत्न। नव नौ संख्या का बोध करा रहा, नौ रत्नों का समाहार, यहाँ पर भी कौन सा समास हुआ, द्विगु समास हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला पद यहाँ भी संख्यावाची है, तो जब समास में पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। इसके बाद हमारा चौथा भेद है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर, जब हमने समास का विग्रह किया तो और अथवा या जैसे शब्द लगते हैं विग्रह पे, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जब दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह भी लगा होता है और विग्रह करने पर और अथवा या जैसे शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम माता पिता, माता और पिता, समास पद क्या है हमारा माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लगा है, विग्रह करने पर आएगा हमारा माता और पिता। इसका दूसरा उदाहरण हम देखेंगे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, इसको विग्रह हमने किया समास पद को, तो पाप या पुण्य, इसमें और या जैसे शब्द विग्रह होने पर स्पष्ट हुए हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। उम्मीद है आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा। अब हम अगले भाग में दो और समासों के भेद पढ़ेंगे। थैंक यू।